से पूछ रहा है हुकअप के बारे में, बताओ कौन सा बेस्ट क्लब है हुकअप के लिए। भाई कॉन्ग्रेट्स गाइस, आज मेरी लड़ाई हुई है क्लब के अंदर। हेलो, वेलकम 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 गाइस। लोग घूर रहे हैं मेरे को, जब जैसे पता नहीं लोगों क्या होता है, मैं मेरे को मुझे समझ नहीं आता। मैं जैसे कैमरा ऑन करता हूँ मेरे आसपास गाड़ियाँ क्यों खड़ी जाती जिसमें लोग मेरे को देख रहे होते हैं यार, बट देखने दो। वेलकम बैक गाइस, वी आर गोइंग टू एमाउस, ठीक है। और लास्ट फ्राइडे निकले थे हम, सैटरडे निकले नहीं, क्योंकि भाई मैं पता नहीं क्या हुआ, मैंने रोटी खाई 9 बजे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेडिसिन खाई जो कि मेरे को दी गई है। उसको खाने के बाद ना भाई मेरे को अचानक ऐसी नींद आती है, कई बार ऐसे हुआ। मैं एक बार अपने दोस्त से बात कर रहा था भाई, एकदम मैंने रोटी खाई और रोटी खाने टैबलेट खा ली, टैबलेट खाते ऐसी नींद आई भाई। वो बंदा सामने कर रहा, हेलो हेलो, मैं कह यार मैं बाद में बात करता हूँ, सो गया भाई। ऐसा होता है मेरे साथ, और ऐसे कल मैंने वो दवाई खा ली, उसके बाद भाई मैं सो गया। और फिर मैं उठा रहा सुबह, मतलब रात के 2:30 बजे, और मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा यार, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूँ, क्लब जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, सो जाओ आप। मैं फिर से सो गया क्योंकि नींद आ रही थी। फिर मैं सुबह के उठाऊँ 9 बजे, तो मेडिसिन बेसिकली मेरे को नींद की दी गई है, नींद की वजह से मुझे नींद आए, बॉडी रिलैक्स रहे, तो ये चक्कर है। हालांकि अब हम जा चुके, निकल चुके, और हम निकल चुके हैं एम हाउस, आधे रास्ते पहुँच गए। और पहुँच के आपको दिखाएंगे आज हिप हॉप नाइट, कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री गाइस हमारी क्लब को ऐप के थ्रू। मैं रिपीट कर रहा हूँ पहली बारी, उसके बाद फिर रिपीट करूँगा, फिर रिपीट करूँगा। और आपसे बात करते करते भाई साहब तगड़े ब्रेक लेने पड़ गए। देखो इसकी तो रुकेगी नहीं, रुकती नहीं गाड़ियाँ। हालांकि ट्रैफिक रहता है, सब तो जंग है, यहाँ ट्रैफिक तो रहता ही है। जैसे कि देखो कितना ट्रैफिक है भाई आज, हालांकि संडे है, संडे को पहले तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था, बट भाई गाड़ियाँ इतनी हो गई अपनी इंडिया में कि नॉर्मल हो गई गाड़ियाँ, हर किसी घर में हर किसी के पास है। तो आप ट्रैफिक तो है तरह रोड पर, क्योंकि आदमी प्रिफेयर नहीं करता भाई बाइक वाइक पर चलना। मेरे ऐसे आदमी होता है कि भाई चलो बाइक पर चलते हैं, भीड़ है रोड पर, थोड़ा सा हमारी वजह से गाड़ी कम हो जाएगी रोड पर, तो वो वाली बात है। ये तो खामा का फोन दे रहा बात तुम, ये दिल्ली का नहीं होगा, दिल्ली का ही होगा, हो सकता है। बट दिल्ली वाले इतना ड्राइवर यार फोन देते नहीं है गाड़ी, मतलब बजाते नहीं। मैंने एक बात तो नोट करी, जैसे मेरा ही बजाना बंद ही हो गया हॉर्न, मैं ही नहीं बजाता। जब बजाता हूँ, जब एकदम कोई सामने आता ना अचानक कट मार के या राइट मार के आता सामने एकदम, तब हॉर्न देता हूँ उसको फेयर करने के लिए, क्या कर रहा है भाई मैं भी चल रहा हूँ पीछे तेरे, ये बताने के लिए सर। मतलब हालांकि हॉर्न का मतलब तो सब अलग अलग लेते हैं, हॉर्न का गाड़ी का मतलब पी यही तो होता है, बाकी सब कुछ कहते हैं मेरे को परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सबका अपना। वी आर गोइंग टू एम हाउस गाइस। देख रहे हो भाई ये लड़की कितनी देर है, डेयरिंग वाला काम करे भाई। लड़की ने हेलमेट ही नहीं पहना भाई, अब ये गिर जाएगी ना सब पता चल जाएगा हेलमेट की वैल्यू, इसको कहीं गिर गिरा गई तो पट सीना लगता है भाई। हेलो हेलो, द नाइट इज ऑलरेडी स्टार्टेड गाइस, आई एम लेट टू नाइट। भाई म्यूजिक स्टार्ट हो गया और पसीने से पता चल गया होगा आपको, अरे भाई डरा दिया है ना, कहा था ना म्यूजिक स्टार्ट हो गया। हाउ आर यू मिस्टर क्लब को, मैंने यूजर नेम रख दिया पता है मिस्टर क्लब को अपना इंस्टाग्राम का। पहले बोलते लोग मिस्टर क्लब को, क्लब को मैंने बैन दिया, मिस्टर क्लब को ही कर दिया। क्या हाल है मिस्टर थापा जी, फाइनली वी रीच गाइस एट दी एमाउस गेट। फ्राइडे में यही थे मैंडम और यहाँ पर थे, आज की जाते बट जो दोस्त है ना हमारा उनसे उससे मिलना हो गया आज फिर से। उसने बोला भाई आओ मिलना है, आप अक्सर हमसे सलाह लेते थे, आज हमें आपसे सलाह लेनी है, आप आओ। मैं कहा ठीक आते हैं, और हम गए और उन बक चोरी करी। बट आपको रियल में बताते हैं, यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो गई गाइस, बस गेट ओपन होने वाला है, 10-1 मिनट में गेट ओपन हो जाएगा।
भाई मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता मैं बोलूँ क्या कैमरे में, इधर से उधर उधर से उधर घूमता रहता हूँ यार। जब घर पहुँच जाता ना ब्लॉग ख़त्म हो जाता, ओहो ये इन्फॉर्मेशन भी देनी थी भाई और वो इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, ये सब चलता रहता दिमाग में। एमाउस चलते हैं, अब थोड़ी देर के लिए गए थे मैंडम पक्षोदी करने, करनी बनती भी है ना, वहाँ भी करेंगे। अब वो हंस के देख, वो हंस रहा है। छोटा सा अपडेट और देता हूँ, वो ये मैंने अभी मतलब अपने ये चीज़ अपने कभी से ब्लॉग में बताई भी नहीं, वो ये गेट का जो सीन होता है ना, मतलब गेट का जो पीक आवर होता है वो तब तक होता है जब तक गेस्ट लिस्ट चल रही होती है, और उसके आधा घंटा और मतलब एक्सटेंड जब होती है गेस्ट लिस्ट तब उसका थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे कि देखो अभी स्लो पड़ा है, सुनसान पड़ा है, और अंदर से हम आ गए, मैंडम भी होके आ गए, अब यहाँ खड़े हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन दूँ भाई, सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, बाकी दोबारा से एक बार इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। अगर फ्री एंट्री चाहिए तो भाई कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री हो जाती है हमारी क्लब को ऐप के थ्रू, और सिंगल मील चार्ज होता है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और क्या ही बताएं, आज है संडे हिप हॉप नाइट, कीम यू की पंजाबी नाइट। कॉन्ग्रेट्स गाइज, आज मेरी लड़ाई हुई है क्लब के अंदर, बट हो नहीं पाई, बच गई लड़ाई। टच वुड भाई, मैं ना कंट्रोल कर लेता हूँ अपने ऊपर, टच वुड है भाई। टच वुड पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई क्लब की लड़ाइयाँ हमेशा बुरी होती हैं, मैं नहीं चाहता कभी मेरी लड़ाई हो और वो लड़ाई बहुत लंबी जाए, क्योंकि बहुत बुरी होती है, क्योंकि भाई सामने वाले ने तो पी रखी होती है और वो बिल्कुल शर्म नहीं करता, उसे खुद नहीं पता चल रहा होता मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ साथ किसी सामने वाले के साथ। और स्पेशली जब साथ में लड़की होती है ना किसी के, वो अपने आप को पता नहीं भाई क्या समझता है, क्या ही समझता है भाई अपने आप को। ठीक है भाई जो भी है, तो वो किसी मैनेजर का दोस्त है ऐसा मुझे बताया गया कि वो किसी मैनेजर का दोस्त है। जीत भाई छोड़ो, क्यों पंगे करने इसके साथ, चूतिया है बेसिकली। उन्होंने मैनेजर और मतलब जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि चूतिया है भाई छोड़ो ना आप, यानी कि हमने पकड़ा ही कब था जब हम छोड़ेंगे, हमने पकड़ा ही नहीं। तो ये सीन है भाई, और ये थी आज हमारी संडे पॉप नाइट। और कई लोग बोलते भाई व्लॉग कार में बनाते हो हमें समझ नहीं आता, पर भाई मैं क्या करूँ, पर मेरे को ना आज तक एक बात समझ नहीं आई, आज तक लिटरली अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि भाई दारू पीने के बाद लड़कियों के सामने इतनी शोशा क्यों करते हो यार, ये सारे लड़के जो स्पेशली होते हैं लड़कियों के सामने क्यों शोशा करते हो, क्या दिखाना चाहते हो तुम लड़कियों के सामने, यू आर द डॉन, तुम क्या हो मतलब भाई। जो इस टाइप के लोग होते हैं वो कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है क्लब के अंदर। एक भैया थे क्लब के अंदर, मैं भैया ही बोलता हूँ उनको भाई, भाई रीज़न मैं आपको बताता हूँ लड़ाई हुई क्यों। भाई मैं मेरा टाइम है 2:30 बजे क्लब निकलने, घर निकलने का क्लब से, तो मैं घर जा रहा था, तो भाई मुझे पता भाई लोग दारू पी के आ रहे हो, तो भाई मैं जनरली बंदों को साइड देता हूँ, मैंने साइड दे दी, मैं भाई निकल जा। भाई को के अंदर ईगो ये थी कि मेरे को इसी साइड से जाना है, मैं भाई साइड से क्यों जाना है, तो साइड से जाना, रास्ता है तो रास्ते की तरह से निकलेगा ना तू, कहीं और से थोड़ी ना निकल जाएगा। पर नहीं, भाई को उसी रास्ते से जाना था, तो जब उसी रास्ते से जाना था तो भाई मैं भी हटा नहीं, फिर मैं कहा भाई पागल है क्या, मंद बुद्धि है क्या, यहीं से निकल जा। भाई ने धक्का दे दिया, जब भाई ने धक्का दिया फिर भाई थोड़ी कम पड़ने पीछे रहने वाला, भाई ने भी डबल धक्का दिया। बस इतने में भाई बंदे आगे क्लब के, उन्होंने छोड़ा छोड़ा दिया, कह रहा जीत भाई छोड़ो ना, तो हमने छोड़ दिया। तो ये हुआ है भाई, और ये मुझे लगता है होना भी चाहिए, थोड़ा लाइफ में इंटरटेन हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है। बट भाई क्या ही बताऊँ, छोड़ो लेट इट बी, ये नाइट लाइफ का पार्ट है भाई। हम जा रहे हैं घर, और भाई जो बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने बारे में पूछ लो। और भाई एक बंदा मेरे से पूछ रहा है हुकअप के बारे में बताओ, कौन सा बेस्ट क्लब है हुकअप के लिए। भाई ये अनपढ़ लोग क्या भाई, हुकअप के लिए कौन सा क्लब अच्छा, भाई ये कौन बताता है भाई, ऐसी कौन सी चीज़ें भाई
भाई मेरे को तो नहीं लगता कोई बंदा ही बताता हुकअप के लिए कौन सा क्लब अच्छा है भाई। भाई डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले यार सबसे अच्छा हो। मैं तो ये बंदे को ये बोलूँगा जो बंदा कमेंट मारता मेरी ऐप के मतलब। और गाड़ी में डलवाना पेट्रोल, साइन आ गया, ज़्यादा दिन मतलब सिर्फ 31 किलोमीटर चलेगी, दिख रहा होगा आपको ऊपर टाइम के नीचे जस्ट आ रहा होगा किलोमीटर। एक गाड़ी की कहानी सुनो भाई। भाई एक मेरा दोस्त है बढ़िया टाइप का भाई, तो भाई मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ और नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बट उसकी हरकतें सुन लो भाई। इसको लिए भाई मेरे को मेरे ख्याल से कुछ टाइम हुआ होगा, ऑलमोस्ट ना करते भाई 6 महीने लिए हुए होंगे गाड़ी को लिए हुए। लॉकडाउन के बाद ही जस्ट ली थी मैंने, क्योंकि मेरी जो पुरानी वाली गाड़ी थी ना i20 वो एक्सपायर हो गई थी, एक्सपायर एज इन उसका टाइम चला गया था, मतलब 10 साल उसके पूरे होने वाले थे। डीजल गाड़ी थी वैसे तो, RCP तो उसका 15 साल थे कि 15 साल चलेगी दिल्ली में, बट वो पोल्यूशन वाला कांड था ना तो चक्कर में 10 साल हो गए थे उसके। डीजल गाड़ी थी मेरी वो i20। तो भाई मैंने ये ली भाई, उसने देखा भाई तो बहुत कम एवरेज देती है भाई। तो भाई ने पता है क्या मेरे को सोल्यूशन दिया, कह रहा CNG लगवा ले। भाई मेरे को CNG वाली कोई गाड़ी लेनी होती तो मैं कोई छोटी गाड़ी ले लेते ना, जब मेरे को एवरेज कितनी प्रॉब्लम होती, जब भाई मेरे को दिक्कत ही नहीं इस चीज़ की कितना पेट्रोल खा रही है कितना क्या कर रही है, तो भाई मैं अपनी पसंद की गाड़ी लूँगा ना। और ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैंने ले ली, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नहीं लेता भाई गाड़ी वाली, है ना। पर भाई भाई वो भी ले गया इस बात को, 2000 रुपये का नॉर्मल पेट्रोल डाल देना, 2000 से हाँ नॉर्मल पेट्रोल। पर वो भाई को भी लेगा, कह रहा यार तूने तो मेरी बेइज्जती कर दी है हुआ भाई, और लोग भी बैठे हुए थे ना हमारे साथ, लगा आपको पता है कि मैं पेटीएम से पैसे दूंगा, आप स्कैनर लेके आ गए। मैंने कहा था आपको पेटीएम होगा। ये भी सही है, डलाते रोज तो आदमी जान जाता है, ज्यादातर पेटीएम आजकल ज्यादा कर रहे हैं लोग। कितने का ये भी सही भाई, मैं यहीं जनरली पेट्रोल डलाता हूँ मूलचंद पे, तो इन्होंने पहचान लिया भाई, कह रहा आप सर आते हो तो यहीं डलाते हो पेट्रोल इसलिए हमें बताया। मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है भाई, चलो सही डला पेट्रोल, वरना ऐसा लग रहा था कि कट टाँका लग गया। ये वाला पेट्रोल यार मतलब पेट्रोल मुझे सही लगता है, पेट्रोल पंप ये सही डालता है, पेट्रोल पंप ये जो पेट्रोल पंप है ना इधर ये सही डालता है।